हैं राधे राधे, हैप्पी गोवर्धन। तो सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत खुश शुभकामनाएँ। और ये देखिए मेरे गोवर्धन बन चुके हैं और मैं पूजा की थाली लेके आ गई हूँ ऊपर। तो मैं कुछ भजन गाती हुई आ रही हूँ थाली लेके, तो मुझे हंसी भी आ रही है और इधर मैं भजन गाती जा रही हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। तो पहले करेंगे सभी बच्चे वगैरह, पापा जी वगैरह पूजा, इसके बाद मैं पूजा करूँगी और मैं और मम्मी। तो ये देखिए पहले तो मैं मतलब पूजा ऐसे ही कर लेती हूँ, मतलब शुरू शुरू में माथा टेक लूँगी, इसके बाद जो पूजन होगा वो मैं देखिए कैसे करती हूँ फिर। या हमारी वीडियो में बने रहिए, और चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हमारी पूजा से, पूजा जो पूजा पाठ करती हूँ उसी से संबंधित हमारी वीडियो आया करेंगी हमेशा, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा। तो ये देखिए हमारे गोवर्धन महाराज कैसे लग रहे हैं, गिरिराज जी महाराज कैसे लग रहे हैं हमारे, तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कि हमारे गोवर्धन जी, गोवर्धन बाबा कैसे लग रहे हैं। तो कैसे भी हों लेकिन गोबर एक दिन, एक वैसे गोबर से सभी लोग, अधिकतर लोग सोचते हैं अरे गोबर पड़ गया, गोबर अरे पैर मेरा ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे इसमें आ रही है स्मेल आ रही है, लेकिन बट यही गोबर आज देखिए कितना इसका महत्व तो है, और पूजन में ये कितना मतलब, और यही गोबर देखिए आज कितना मनमोहक लग रहे हैं ये गिरिराज जी महाराज जिससे बनाए हुए हैं गोवर्धन बाबा। तो ये देखिए गोबर आज के दिन, कहते ना कि आज के दिन ढूंढे भी मिलता नहीं है गोबर के, मांगने जाओ तो थोड़ा थोड़ा गोबर मिलेगा। तो ये तो हमारे जहाँ से दूध आता है वहाँ से गोबर आया हुआ था, तो बट हमें तो मिल गया था गोबर काफ़ी सारा, लेकिन थोड़ा ही मैंने मंगवाया था और गोवर्धन हमने बना लिए जैसे मुझे आते हैं वैसे बना लिए मैंने। और इसमें मतलब कुछ लोग कान्हा जी की तरह बनाते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बनाए हुए थे गोवर्धन। तो ये देखिए हमारे गोवर्धन बाबा बन के, और इधर पूजन हो रहा है हमारे गोवर्धन बाबा का। तो ये देखिए पूजा पाठ चल रही है, इनका भोग लग रहा है। तो हमारे यहाँ परिवार वाले दिन गोवर्धन बाबा जब पूजे जाते हैं तो उस दिन कढ़ी और चावल का भोग लगता है, कढ़ी चावल वगैरह, और जो घर में मिठाई वगैरह हो उसका, और मीठी चावल मतलब जो चावल होता है उसको भात बनाएंगे, भात उसको जैसे कि हम बूरा मिला देते हैं, पिसी हुई चीनी है वो मिला के और चावल में, और क्या कहते हैं घी डाल देते हैं देसी घी डालकर, तो उसका भी हमारे यहाँ भोग लगता है। तो ये मेन तो कढ़ी चावल और इसी का भोग है आज के दिन हमारे यहाँ पे, बट लोगों के यहाँ पे, कुछ लोगों के यहाँ पे तो शाम को खीर पूड़ी वगैरह ये सब से पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती है परिवार वाले दिन। तो परिवार वाले दिन हमारे यहाँ कढ़ी और चावल से ही पूजन होता है और भात से, तो मीठा भात। इसके बाद किसके यहाँ कढ़ी और चावल और मीठे भात से पूजा होती है तो कमेंट्स करके बताइएगा। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ दोज वाले दिन कढ़ी और कढ़ी नहीं बनती, यानी कि वो सॉरी दोज वाले दिन हमारे यहाँ खीर पूड़ी सब्जी मीठे पुए कचौड़ी जो भी आपको मंगौड़े वगैरह जो भी बनाना है आप, अन्नकूट वगैरह जो भी बनाइएगा आप, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो लोग बना के और इसको पूजते हैं। तो वो शाम का समय होता है दोज वाले दिन, बट लेकिन मैं तो अब सुबह ही जान कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरे से इतना नहीं कि मतलब सभी को कहीं जाना, कहीं सभी आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो चुकी है, तो इसलिए बस यही होता है कि जल्दी जल्दी पूजा कर देते हैं हम जैसा बनता है मेरे से। और भगवान जी मुझे माफ़ करना गोवर्धन बाबा, जैसी मेरे से आती वैसी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो बस मैं खीर पूड़ी का मैंने दोज वाले दिन यानी कि आज भोग मैंने मतलब आज का वीडियो हमारा कल आएगा, तो ये परिवार वाला कल का ब्लॉग है ये हमारा, तो ये कढ़ी और चावल वाला है, तो और दोज वाला भी हमारा ब्लॉग आएगा। तो ये देखिए हमारे यहाँ बस परिवार के दिन ऐसे ही पूजा की जाती है, और गांवों में तो बहुत बड़े बड़े गोवर्धन बाबा बनाए जाते हैं और सभी का एक ही गोवर्धन होता है मोहल्ले में, लेकिन अब तो बट
घर में सभी के अलग अलग गोवर्धन बाबा रखे जाते हैं सभी के यहाँ। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सभी लोग एकत्रित होकर और एक ही जगह पूजा किया करते थे गोवर्धन बाबा की, और बहुत बड़ा बनता था। सभी महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर और गोवर्धन बाबा को बनाती थीं। अभी भी कहीं कहीं ये रिवाज है जो जहाँ एक ही गोवर्धन रखा जाता है गोवर्धन बाबा, और सभी घर की जो महिलाएं हैं वो पूजा में और गोवर्धन बाबा में बनाने में हाथ बटाती हैं। तो जब सभी लोग मिलकर एक साथ बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। तो इधर हमारे पापा जी पूजा कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये पीछे से वीडियो हम लोगों ने शूट कर लिया था, मतलब याद ही नहीं रहा था किधर से हमें जाना है, तो ये घूम रहे फिर आगे आए हम। तो ये बस पापा जी कह रहे थे, बस मैं तो ऐसे ही पूजा कर ही ले रहा हूँ, क्योंकि भाई उनको प्रॉब्लम होती है बैठने उठने में, तो ज़मीन पे तो वो बैठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए बस उन्होंने ऐसे ही हाथ जोड़ लिए। तो सभी लोग पूजा ऐसे ही कर रहे हैं, और भगवान गोवर्धन बाबा बस सभी के घर खूब खुशी खुशी से आना हर साल। मेरी तो यही प्रार्थना है गोवर्धन बाबा। और हाँ, हमारे यहाँ तो वैसे भी गोवर्धन बाबा तो पास ही में हैं, तो वहाँ तो परिक्रमा लोग लगाने जाते हैं गोवर्धन की, गोवर्धन बाबा की, और वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा दृश्य होता है गोवर्धन में उस समय आज के दिन, और खूब प्रसाद बढ़ता है कढ़ी चावल का। इधर हमारी मम्मी भी लगा रही हैं, वो हंसती जा रही हैं तो मेरे से कह रही थी मैंने तो बाल बाल भी नहीं बांधे हैं और ऐसे ही, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। और वो बस नहा के पूजा करके आई हुई थी और बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो अच्छा आप भी आ जाओ पूजा करने, तो ऊपर छत पे आए। तो हम लोगों ने छत पे बनाया हुआ था, क्योंकि वैसे तो बाहर बनते हैं गोवर्धन, लेकिन मैंने बाहर नहीं बनाया हुआ था क्योंकि गाय कुत्ते वगैरह आते हैं तो वो ख़राब कर जाते, इसलिए ऊपर छत पे ही मैं हमेशा बनाती हूँ। और ससुराल में तो हमारे आंगन में बनता है, लेकिन मैं अपनी मायके में हूँ तो इसलिए मैं यहीं छत पे बना लिया है मैंने, और पूजा कर रही हूँ। तो ये मायके का ब्लॉग है हमारे मायके का, और मैं भी सोच रही थी मैं भी अब पूजा करने जाऊँगी, मैं भी पूजा करूँगी। अब मेरा नंबर आया, अब मैं पूजा कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो पहले हमारे यहाँ पे गोवर्धन बाबा की जो मतलब पुरुष होते हैं वो पूजा करते हैं, इसके बाद महिलाएं पूजा करती हैं। तो इधर हमारे मतलब घर के जितने पुरुष हैं वो लोग पूजा करेंगे और इसके बाद महिलाएं पूजा करती हैं। और मैं पूछती जा रही हूँ और गोवर्धन बाबा से प्रार्थना करती जाती हूँ कि हे गोवर्धन बाबा, आप हमेशा हर साल ऐसे ही हमारे घर में हंसते खेलते हुए आइएगा और मैं हमेशा ऐसे ही पूजूँ हंस हंस के गोवर्धन बाबा, और सब अच्छा अच्छा रखना। तो मैं यही सब बोलती जा रही हूँ, और कोई गलती हो तो माफ़ करना गोवर्धन बाबा, मेरी पूजा में यदि कोई गलती हुई हो कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। तो यही सब कहती जा रही हूँ मैं मन मन में। तो इसमें गोवर्धन में ये सब चीज़ें बनती हैं, गोवर्धन बाबा ये बनते हैं और सारा मतलब ग्वाल ग्वाल वाले ये सब चीज़ें बनती हैं। तो सब घर के सदस्य मतलब बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं थे कि ये लड़के हैं उनकी बहुएं हैं ये देखिए, और ये बच्चे तालाब गाय भैंस जो घर की चीज़ें होती हैं वो सब बनती हैं गोवर्धन में। तो अब तो कुछ नहीं है, ये छोटा सा गोवर्धन हमने रखा हुआ था, लेकिन जब बहुत लोग गांवों में तो बहुत बड़ा गोवर्धन रखा जाता, उसमें तो पता नहीं क्या क्या सामान बनाया जाता है बहुत ज़्यादा, मुझे तो आता नहीं था, मैं तो बस देख देख कर ही मैं ससुराल में सीख गई थी।
तो जो हमारे घर में सभी लोग बनाते थे वही देख देख के मुझे धीरे धीरे सब आ गया। तो कहते हैं ना कि अगर सीखने वाला व्यक्ति होता है तो उसको देख देख कर सभी सभी काम आ जाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होता जिसको ना आए, लेकिन आना चाहिए, दिमाग दिमाग लगाना चाहिए। तो मैं पहले बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं कैसे बनाऊंगी, बट मेरे को याद आया चलो चलते हैं बनाते हैं, गोवर्धन बाबा की कृपा होगी तो सब कुछ बना लेंगे। तो बस मैंने गोबर में हाथ लगाया और बस गोवर्धन बाबा बनाने चालू कर दिए मैंने, और जैसा मेरे से बना वैसे मैंने गोवर्धन बाबा बना लिए। और बस ऐसे ही फिर अब हम इधर बच्चों ने परिक्रमा दी स्टार्ट कर दी हुई थी। ये देखिए हमारे गोवर्धन बाबा किसके यहाँ कैसे बनते हैं, तो कमेंट्स करके बताइएगा हमारे गोवर्धन कैसे लग रहे हैं। ये मैंने सब रंगोली से सजा दिया हुआ था। तो ये देखिए ये गोल घेरा है, उसमें ये हमारी मछली पड़ी हुई है, मछली है इधर, बच्चे उनकी बहुएं पता नहीं क्या क्या मतलब बनाया जाता है बोलते थे, तो वही सब मैंने बना दिया हुआ था। और चूल्हा गैस जो मतलब जो हमारे घर में चीज़ें हैं वो सब बनाई जाती हैं, खेत गन्ने पेड़ पौधे सब चीज़ें। तो बस यही सब जितना आया मेरे से बना दिया मैंने। और ये देखिए गोबर से बनी हुई चीज़ देखिए कितने मतलब भगवान गोबर से बनाए हुए हैं, सॉरी चीज़ मैं बोल गई, भगवान जी जो हमने गोवर्धन बाबा गोबर से बनाए तो कितने मनमोहक कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये है बाहर का दृश्य हमारे, और सबसे बाहर हमारे पड़ोस में ही गोवर्धन बाबा बन रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने हाथ बटाया। तो ये भी हम बनाते जा रहे थे और रंगोली पाउडर से सजाते जा रहे थे। तो ये देखिए ये भी सजा रही हुई हूँ, और ये देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं ये भी गोवर्धन बाबा। तो ये दो तरह के गोवर्धन बाबा हमारे यहाँ बने हुए हैं। तो ये बाहर भी हम सभी लोगों ने तीन चार लोगों ने मिलके बनाए हुए थे। तो मतलब एक पड़ोस में थी उनका आ जाओ दीदी बनाते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है चलिए बना लेते हैं। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया, गोवर्धन बाबा बन के तैयार हो गए। और ये देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं, ये तो मैंने फूलों से नहीं सजाए थे, लेकिन मैं थक गई हुई थी, बहुत परेशान हो गई थी अकेले काम करते करते। और जब कहते हैं ना कि चार लोग एकत्रित हो और जब बनाओ तो सभी लोग कहते हैं ये लगा दो वो लगा दो, ऐसे करके जल्दी जल्दी बहुत जल्दी तैयार हो गए थे ये गोवर्धन बाबा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।